वेलकम टू इंडियन मॉम केयर चैनल। आज हम इस चैनल पर बहुत ही इमोशनल वीडियो लेके आए हैं। जानेंगे कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, 1 से 9 महीने तक के अंतराल में बच्चे का विकास कैसे होता है, ऐसे समय में माँ को कैसा अनुभव होगा, किस महीने में बच्चे का कितना विकास होगा, ये जानने की उत्सुकता सभी को रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले से 9 महीने तक शिशु किस तरह अपनी माँ के गर्भ में उसका विकास होता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें। पहला महीना, शिशु एक पानी भरी थैली में होता है जिसकी लंबाई 0.6 सेंटीमीटर होती है। शिशु की लंबाई व वजन तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। इस महीने में शिशु बिल्कुल छोटा, बिल्कुल नाम मात्र आपको दिखेगा। इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले महीने में शिशु कितना छोटा दिखता होगा। पहला महीना यानी सप्ताह 1 से सप्ताह 4 तक के सप्ताह को एक महीना बोला जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरे महीने में क्या क्या बदलाव होता है। श्रवण और दृष्टि इंद्रियां विकसित होने लगती हैं, पलकें बंद रहती हैं, चेहरे के नैन नक्श बनने लगते हैं, दिमाग का विकास होने लगता है, नाभि नाल बनती है, हाथ पैर की उंगलियां व नाखून बनने लगते हैं, आमाशय यकृत गुर्दे का विकास होता है। शिशु की लंबाई करीब 3 सेंटीमीटर और वजन 1 ग्राम होता है। गर्भाशय पेट में मुलायम गांठ की तरह महसूस होता है। अब जानेंगे तीसरे महीने में शिशु का विकास कितना होता है। आकार बहुत छोटा होने से शिशु की हलचल महसूस नहीं की जा सकती है। आंखें बन चुकी होती हैं लेकिन पलकें अभी भी बंद होती हैं। बाजू, हाथ, उंगलियां, पैर, पंजे और पैरों की उंगलियां व नाखून इस महीने में विकसित हो जाती है। शिशु की वोकल कॉर्ड्स बन चुके होते हैं। शिशु सिर ऊपर उठा सकता है। यदि गर्भाशय के अंदर झांका जाए तो बाहरी जननांग बनते हुए दिख सकते हैं। आइए अब जानते हैं चौथे महीने में क्या बदलाव होते हैं। शिशु की लंबाई व वजन में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। बाल आने लगते हैं और सिर पर बाल दिखने लगते हैं। भौहें और पलक के बाल आने लगते हैं। चमड़ी वसा युक्त होने लगती है। अब जानते हैं पांचवें महीने में शिशु में क्या क्या बदलाव होते हैं। शिशु कुछ समय गतिशील रहता है तो कुछ समय शांत। एक सफ़ेद चिकना स्राव शिशु की त्वचा की एमनियोटिक पानी से रक्षा करता है। उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा का रंग लाल होता है। इस महीने शिशु की लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर और वजन करीब 200 से 450 ग्राम होती है। छठा महीना, त्वचा अभी झुर्री भरी और लाल है। आँखों का विकास पूरा हो जाता है। पलकें खुल सकती हैं, बंद हो सकती हैं। शिशु रो सकता है, लात मार सकता है, उसे हिचकी आ सकती है। सातवां महीना में क्या क्या बदलाव आते हैं। यदि कोई गर्भवती के पेट पर कान रखे तो शिशु की धड़कन सुनाई दे सकती है। शिशु अंगूठा चूसता है। इस महीने शिशु की लंबाई 32 से 42 सेंटीमीटर होती है। वजन करीब 1100 ग्राम से 1350 ग्राम तक रहता है। इस महीने अच्छे से शिशु की हलचल पहचानी जा सकती है। अत्यथा गर्भवती महिला का पेट भी उभर कर दिखने लगता है। आठवां महीना, शिशु की आंखें खुलती हैं। जागने सोने की खास आदत के साथ शिशु सक्रिय रहता है। इस महीने शिशु का वजन करीब 2000 से 2300 ग्राम और लंबाई 41 से 45 सेंटीमीटर है। इस महीने शिशु की हलचल महसूस होती है। शिशु की लंबाई 18 सेंटीमीटर से वजन 100 ग्राम होता है।
नौवां महीना बच्चे की आंखें गहरी कबूतर रंग की होती है। जन्म के बाद रंग बदल सकता है। शिशु का सिर नीचे व पैर ऊपर की तरफ होता है। बच्चा ज़्यादा शांत रहता है। इस महीने शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है और वज़न 3200 से 3400 ग्राम तक रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।